पिलखुआ के बाजार बजाजा में व्यापारियों का मूड भांपने के लिए आज हम खुद पिलखुआ के बाजार बजाजा पहुंचे हैं, जहां पर हम व्यापारियों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है। साथ ही हम एक सवाल और व्यापारियों से पूछेंगे कि किसके नामों की चर्चा इस दौरान बाजार में है। चर्चाओं में तो जी इस बार बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि इस बार की सीट सामान्य घोषित होने की संभावना है जी। कुछ अध्यक्ष पद की कह रहे हैं, जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके पति हैं, एक तो एक प्रवीण प्रताप राधे हैं, एक ये अपने सुनील जी हैं, इस पीछे आपके बोर्ड लग रहा है। वैसे नामों में तो देखो जी, सुनील गर्ग लोहे वाले जो हैं आपके, और EVS के मालिक राधे गुप्ता जी। बहुत सारे नाम चल रहे हैं पिलखुआ के लिए में तो, एक सुनील कुमार हैं और एक विभू कुमार बंसल हैं, एक प्रवीण प्रताप राधे, ये तीन तो है ही हैं मेन, बाकी सब 20 हो जाएंगे करीब। जैसे जी सुनील गर्ग जी हैं पिलखुए के गणमान्य लोग हैं जी, और साफ छवि वाले व्यक्ति हैं, व्यापारी आदमी हैं। चेयरमैन के लिए इनके नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं जी, और अभी क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं है कि सरकार के द्वारा आरक्षण किस रूप में जाएगा, ये सामान्य सीट रहेगी, OBC रहेगी या रिजर्वेशन जाएगी, सभी वर्गों के हिसाब से बहुत सारे नाम चल रहे हैं। सुनील गर्ग और अंशुल मित्तल। क्या नाम है? अंशुल मित्तल हैं, एक सुनील हैं, आबिद हैं। किस का नाम चल रहा है चेयरमैन को लेकर? अंशुल है, और जो है डॉक्टर विपिन है, और विभू जी हैं। फाइट देखो जी BJP की मिलेगी बस। विपिन प्रताप राधे है, सुनील गर्ग है, अंशुल मित्तल भी है। कि भाजपा का टिकट किसे मिलता है? भाजपा पे आस लगाए बैठे हैं। भाजपा में भैया सुनील गर्ग का है, विभू बंसल का है, अनिल चीनी वालों का है, आसू ठेकेदार, आबिद, आमिल। नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं ऐसे, लेकिन सशक्त ये 3-4 ही हैं। मौजूदा चेयरमैन ने किस तरह का विकास किया पिलखुआ? पैसे खा गया, कुछ नहीं करा। शुरू में तो उन्होंने बहुत विकास किया, उसके बाद मेंबरों से काफ़ी इनका मनमुटाव हो गया, फिर नहीं हुआ। अब भी पैसा पड़ा है म्यूनसिपलिटी में, जो खर्च नहीं हो रहा वो अब भी जाएगा। समस्याएं तो बहुत सारी हैं जी पिलखुआ की। समस्या पिलखुआ की सबसे बड़ी जल भराव है। हमारी 52 साल की उम्र हो गई, और मैं पिछले यदि 35 साल से देखूं तो जल भराव की इतनी स्थिति है कि 4 छींटे भी पड़ती हैं तो बाजार भर जाता है, पानी भर जाता है, और अभी तक दावे बहुत होते हैं परंतु इस विषय पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। समस्या जल भराव की है केवल। मुख्य समस्या तो एक तो पानी की निकासी नहीं है, एक सफाई कम होती है। समस्या सबसे बड़ी तो जल भराव है। मैं जल भराव है, गंदगी की समस्या है, नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार है। तो पीछे तो बहुत चल रहा था कि यहाँ पे एक्सपोर्ट हाउस खुले, वो नहीं खुला। मेन तो एक्सपोर्ट हाउस ही खुलना चाहिए यहाँ, लेकिन पिछले साल वर्ष ऐसा कोई काम नहीं हुआ, कोरोना में नहीं हुआ। काम तो काफ़ी हुए पिलखुआ में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो जितने 2-2.5 साल में हो गए उतने लास्ट के 2-2.5 साल में नहीं हो पाए। किस तरह का चेयरमैन चाहिए पिलखुआ को? पिलखुआ क्या होता है, सभी जगह अच्छा हो चाहिए कि हाँ जी शहर के लिए कुछ काम करे, साफ सफाई करे, या जो भी शहर की समस्या है वो दूर करे, उसको जो विकास करे वही चेयरमैन चाहिए। भैया सफाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, ऐसा ही पाए जनता का हित का हो, बाकी का बात खत्म। बाकी तो जो भी कुछ होना तो वही है, जब भी होगा पढ़ेंगे। यह कि जनता के बात माने, उसे माने भी ना तो समझे, समझने के बाद में जैसा होता है उस हिसाब से करें। तो बाजार बजाजा में व्यापारियों ने बताया कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव। जल भराव की वजह से व्यापारी और अन्य लोग सभी परेशान हैं। इसी के साथ व्यापारियों ने ये भी बताया कि किस किस के नाम की इस दौरान चर्चा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जल्द ही हम पिलखुआ के और क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है और क्षेत्र में
किसका नाम इस दौरान चर्चाओं में है।